कभी दलित पिछड़ों की आवाज बने, राजनीतिक चेतना का संचार भरा। आज वह गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती हैं। लाइफ सपोर्ट की दवाइयों से उन्हें बचाने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव के लिए दुआओं का दौर जारी है। पूरे देश में उनके चाहने वाले पूजा पाठ हवन पूजन कर रहे हैं। इस बीच उनके राजनीतिक किस्से भी सामने आ रहे हैं। ऐसा ही एक किस्सा है फूलन देवी का, जिन्हें मुलायम सिंह यादव ने बंदूक छोड़ साइकिल थमा दी थी, जिसके बाद वो जेल से छूटने के बाद लोकसभा तक का सफर करने में कामयाब हुई थी। देश की राजनीति में फूलन देवी का एक ऐसा नाम है जो कभी खौफ का प्राय हुआ करता था। तीन राज्यों की पुलिस उन्हें पकड़ने के लिए लगी हुई थी। बड़े बड़े अफसर और मुखबिर दिन रात फूलन देवी को ढूंढ रहे थे, पर एक महिला का सुराग तक नहीं लगा पाए। पुलिस से बचने और नया जीवन शुरू करने के लिए फूलन देवी ने अपनी शर्त पर सरेंडर किया। उन्हें जेल भेजा गया, जहां पर उन्होंने लंबी सजा काटी। उस वक्त मुलायम सिंह यादव ना होते तो फूलन देवी का जेल से बाहर निकलना मुश्किल था। इसलिए फूलन देवी ने दुबई में मुलायम सिंह यादव के लिए कहा था कि अगर वो ना होते तो आज वह जिंदा ना होते। दरअसल बेहमी कांड के बाद जेल पहुंचना फूलन देवी का एक हिस्सा है, और दूसरे हिस्से में संसद तक पहुंचने में समाजवादी पार्टी का बड़ा योगदान। इसकी चर्चा खुलेआम कई बार फूलन देवी ने मंच पर की। स्वर्ण जाति के 22 लोगों की हत्या के आरोप में लंबे समय तक फूलन देवी जेल में बंद रहीं। बाहर निकलने के सारे रास्ते बंद हो गए। साल था 1994, यूपी में मुलायम सिंह यादव की सरकार बनी थी, तो उन्होंने अचानक फूलन देवी के खिलाफ चल रहे सभी आरोप वापस ले लिए और उनकी रिहाई का रास्ता साफ कर दिया गया। इतना ही नहीं, सपा ने फूलन देवी को लोकसभा चुनाव लड़ाया। मिर्जापुर से वे सांसद बनी और राजनीति का चेहरा बन बैठी। 25 जुलाई 2001 को दिल्ली में फूलन देवी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या के ठीक कुछ दिन पहले वो दुबई के दौरे पर गई थी, जहां एक कार्यक्रम में फूलन देवी ने एक भाषण दिया था। वो काफी चर्चा में रहा था। वहां उन्होंने मंच पे मुस्कुराते हुए अपना परिचय दिया था। उन्होंने कहा था, मेरा नाम फूलन देवी है, लोग मुझे बैंडिट क्वीन के नाम से जानते हैं। हमें पता नहीं था कि इतना संघर्ष करने के बाद हम इतना जिंदा रहेंगे। ऐसे ऊंची जाति के लोग जात पात को मानते हैं। हम जैसे गरीब दलित दबे कुचले लोगों को कुछ समझते ही नहीं। वो कीड़े मकोड़े हैं, इंसान नहीं। उन लोगों को मैंने बताया कि मैं इंसान हूँ। अगर हमें तुम मारोगे तो हम भी चुप नहीं बैठेंगे, हम भी जवाब देंगे। अत्याचार से व्यथित फूलन देवी ने एक बार आत्महत्या के बारे में भी सोचा। दुबई के कार्यक्रम में उन्होंने इस बात को बताया कि मैंने कई दफा सोचा कि मैं आत्महत्या कर लूं, पर मैं मर जाती और लड़कियां हमारे समाज की हमेशा दब कर रह जाती। बताओ, हमें डाकू के नाम से जानते हैं लोग, क्या हमारे चार हाथ पैर हैं? मैंने कोई गलत काम नहीं किया, मेरे साथ रावणों ने अत्याचार किया। मैंने उन्हीं की भाषा में उन्हें जवाब दिया। इस दौरान फूलन देवी ने कहा था कि वो माननीय मुलायम सिंह की देन है जो आज हम खड़े हैं। मेरे खिलाफ बहुत बड़ी साजिश रची गई, गुस्से में इंसान अच्छा काम नहीं करता। मैं 4 साल जंगलों में भटकी और 11 साल जेल में रही। उन्हें कोर्ट में पेश नहीं किया गया। जेल से छोड़े जाने के बाद कहा था कि इतनी बड़ी डाकू को छोड़ दिया, बहुत अन्याय हुआ। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए यूवी इंडिया न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।